लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस खास मौके पर हरियाणा के अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कुरुक्षेत्र में खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे, तो वहीं गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे। तो कुरुक्षेत्र में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। तो नई दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देख पा रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने हमेशा एकता और वफादारी का संदेश दिया और उसी के प्रतीक रहे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत को एक करने में, भारत को जोड़ के रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका है और उन्हीं के प्रशस्त रास्ते पर चलते हुए आज इसे एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और इस खास मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। तो आप देख सकते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। एकता के प्रतीक माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में उन्होंने जन्म लिया था और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अतुल्य अमूल्य योगदान हमेशा से रहा है। और इसी के मद्देनजर आज पूरे देश भर में एकता दिवस के तौर पर उनकी जयंती को मनाया जाता है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाने वाले हैं और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल काय मूर्ति है, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और गुजरात को कई सौगातें भी आज प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान अमूल्य रहा है। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और आज पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां राजधानी दिल्ली से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तो वहीं हरियाणा से भी तस्वीरें सामने आई हैं। कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, अलग अलग जिले हैं जहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी इस रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।